गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे तो चैप्टर नंबर 14, मैग्नेट्स एंड देयर इफेक्ट। यू मे हैव वंडर्ड हाउ मैग्नेटिक स्टिकर्स रिमेन अटैच टू द डोर। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो मैग्नेटिक स्टिकर्स हैं रिमेन अटैच टू द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर। कई बार आप मार्केट से मैग्नेट की कोई स्टिकर्स वगैरह लाते हो और आपके रेफ्रिजरेटर पे वो चिपक जाते हैं, ठीक है, या कोई आपके मेटल का डोर है उस पे चिपक जाते हैं। यू मे आल्सो नोटिस दैट डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर, अगर आप थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन छोड़ देते हो तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्लोज हो जाता है। हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे होता है। इट इज द मैग्नेट ऑन द एजेस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। मैग्नेट का जो एज होता है, मतलब ये वाला एज, ये कॉर्नर जो होता है, इस पे क्या होता है, जो बाहर वाला जो सिरा है रेफ्रिजरेटर का, बाउंड्री जो है उसको हम बोलते हैं एजेस ऑफ द रेफ्रिजरेटर डोर, दैट कॉज इट टू क्लोज। वहां पर क्या हो जाता है, उसकी वजह से उस एज पे क्या लगा हुआ है, मैग्नेट, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्लोज। Several cupboards and pencil boxes, बहुत सारे cupboards और pencil boxes भी ऐसे ही अपने आप क्या हो जाते हैं, they have magnet, वो shut हो जाते हैं, ठीक है, ताकि वो open ना रहे पूरी तरह से, एकदम अच्छे से बिल्कुल एयर टाइट क्लोज हो जाए, तो वहां पर क्या लगा देते हैं, मैग्नेट। मैग्नेट आर फेमिलियर ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप सबको पता होगा मैग्नेट क्या है, दैट नेवर द लेस कंटिन्यू टू फैसिनेट अस, ठीक है, वो हमेशा क्या करता रहेगा, हमें फैसिनेट करता रहेगा, ठीक है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट एंड लुक एट देयर एप्लीकेशन। इस प्रॉपर्टी में हम देखेंगे, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो मैग्नेट है उसकी ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हम उसको डेली लाइफ में यूज करते हैं। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स, सम पीपल बिलीव दैट द नेचुरल मैग्नेट कॉल मैग्नेटाइट, जो नेचुरल मैग्नेट है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट, ठीक है, वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ग्रीक्स, वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, ग्रीक ने, ठीक है। तो नेचुरल मैग्नेट जो है डिस्कवर्ड बाय ग्रीक्स, जो ग्रीक में रहने वाले लोग थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। अब हम इसकी भी एक स्टोरी देखेंगे कि किस तरह से इसको डिस्कवर किया गया था। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड स्टोरी, मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड बाय चांस। एक ओल्ड स्टोरी के अकॉर्डिंग जो मैग्नेट है वो बाय चांस डिस्कवरी हुआ। अबाउट फ्यू थाउजेंड इयर्स एगो, कई साल, मतलब थाउजेंड साल पहले, देयर वाज अ शेफर्ड बॉय, ठीक है, एक शेफर्ड बॉय था, मतलब एक जो भेड़ बकरियों को चराता है, मैग्नेस, उसका नाम था मैग्नेस, जो कि एंशियंट ग्रीस वाले देश में रहता था। मैग्नेस यूज्ड टू टेक हिज हर्ड टू शीप्स एंड गोट्स फॉर ग्रेजिंग, ठीक है, अपना जो उनका, उसका शीप का और गोट्स का जो हर्ड था, मतलब झुंड था, उसको फॉर ग्रेजिंग, चराने के लिए माउंटेन्स पे लेके जाता था। ही ऑलवेज कैरी अ वुडन स्टिक हैविंग एन आयरन केसिंग एट इट्स लोअर एंड विद हिम, उसके पास एक लकड़ी थी, लकड़ी मतलब उसके पास एक डंडी थी लकड़ी की, ठीक है, स्टिक, उसका जो नीचे वाला हिस्सा था जो जमीन पे लगता था उसके क्या था, आयरन लगा हुआ था, ठीक है, थोड़े से हिस्से पे आयरन था। वन डे द टिप ऑफ स्टिक गॉट स्टक फ्रिमली टू लार्ज ब्लैक स्टोन ऑन द ग्राउंड, जैसे ग्राउंड पे एक पत्थर पड़ा था काला, उसके ऊपर
उसकी स्टिक चिपक गई, ठीक है, फर्मली, मतलब बहुत जोर से स्टक हो गई, चिपक गई। आफ्टर अ लॉट ऑफ एग्जर्शन, मतलब उसके बहुत जोर लगाने के बाद भी ही फाइनली मैनेज टू फ्री हिज स्टिक। उसने फाइनली अपना, उसने बहुत जोर लगाया और फिर उसकी स्टिक निकल गई। ही डिस्कवर्ड दैट आयरन कवर्ड पार्ट ऑफ द स्टिक वॉज अट्रैक्टेड बाय द रॉक। उसने देखा, क्या देखा, कि जो आयरन वाला पार्ट है उसको रॉक अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी तरफ खींच रहे हैं। एंड द रॉक वॉज, उस रॉक का नेम फिर मैग्नाइट, मैग्नेटाइट रखा गया, किसके नाम से, मैग्नेस के नाम से, ठीक है। और अब हम उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट हैज बीन, और मैग्नेट कहाँ से निकला है, मैग्नेटाइट से। मैग्नेट्स आर यूज इन टेलीफोन, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड मैनी अदर डिवाइस। जो मैग्नेट हैं वो हम कहाँ यूज करते हैं, अपने टेलीफोन्स में, टेलीविजन में, वॉशिंग मशीन्स में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, हर जगह, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, कहीं ना कहीं हमें मैग्नेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट की वजह से साइंस और टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है उसको बहुत फायदा हुआ है। मैग्नेटाइट इज एन ओर, मैग्नेटाइट एक ओर है। इट इज एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विद द केमिकल फॉर्मूला Fe3O4, ठीक है। एक्चुअली में जो मैग्नेट है वो क्या है, एक ओर टाइप की चीज है, मतलब जो आयरन है उसकी मिक्स फॉर्म है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। इट इज मोस्ट मैग्नेटाइट सब्सटेंस ऑफ ऑल दी नेचुरली अकरिंग मिनरल्स ऑन दी अर्थ, ठीक है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग मिनरल्स, तो मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो नेचुरली अर्थ के ऊपर अपने आप बनता है धीरे धीरे। मैग्नेट, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स। मैग्नेट क्या है, कैसी चीज है जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो कि मेटल की बनी हो, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्ट सब्सटेंस, वो चीजों को अट्रैक्ट करती है, जैसे आयरन को कोई चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट ऑन दीज सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स लगती है, मतलब जो मैग्नेट अपनी फोर्स, ताकत लगाता है, आयरन की कोई चीज है वो एकदम से अपनी तरफ खींच लेता है कुछ फोर्स लगा के, मतलब अट्रैक्शन मतलब अपनी तरफ खींचने वाली फोर्स, तो उन सब्सटेंस, दी सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, जो मैग्नेट फोर्स लगाता है चीजों को अपनी तरफ खींचने के लिए, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और जो ये मैग्नेट है इसके आसपास अगर हम, मतलब कुछ देखो, कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, आपने देखा होगा मैग्नेट के कुछ डिस्टेंस तक तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ी पास ले जाने के बाद वो आराम से उसको खींच लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उतने एरिया में, इतने एरिया में ही क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर मैग्नेट का असर रहता है, ठीक है, वहां मैग्नेटिक फोर्स हमेशा रहती है, इसीलिए वो उसको खींच लेता है। तो जैसे लाइनें दिखा रखी है ना, तो मतलब इस मैग्नेट के इतने एरिया में क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड।
हम देखते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आर मैग्नेटिक एंड व्हाट आर नॉन मैग्नेटिक। सपोज ड्यूरिंग वुड वर्क एट होम, ठीक है, मान लो आपके घर लकड़ी का काम चल रहा है, द कारपेंटर हैज मिक्सड आयरन नेल्स, उसने सारी आयरन नेल्स को मिक्स कर दिया एंड स्क्रू विद लॉट्स ऑफ वुड। कहाँ पर मिक्स कर दिया, जो उसने मतलब जैसे लकड़ी की हम शेप देते हैं तो उसको शेप करते हैं मशीन से, तो उसका जो बुरादा सा बनता है उसके साथ शेव करते टाइम उसका जो बुरादा बना है उसमें बहुत सारी आयरन की नेल और स्क्रू मिक्स हो गए, ठीक है। अब वो उन स्क्रू और नेल्स को कैसे ढूंढेगा, ठीक है, क्या करेगा उसमें, मतलब एक एक करके हाथ लगा हाथ से ढूंढेगा, नहीं, वो क्या करेगा, एक आयरन ले लेगा, आयरन का ब्लॉक ले लेगा और उस शेविंग के अंदर उसको मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके रोल कर देगा, ठीक है, उसको मतलब पूरा तरह से उसको फैला दिया, मतलब धीरे धीरे उस पूरे शेविंग के अंदर, तो जितनी भी जो आपकी आयरन की नेल्स हैं सिर्फ वही आपके मैग्नेट के चिपकेंगी, वुड का जो बुरादा है जो शेविंग है वो तो नहीं चिपकेगा, तो उसको सारे स्क्रू और नट नेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सब्सटेंस दैट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, जो चीजें मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं, जैसे इन्होंने अभी बोला आयरन की चीजें नेल और स्क्रू, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आप भी देखना कौन कौन सी चीजें जो है आयरन मैग्नेट से, सबके घर छोटा छोटा मैग्नेट होगा, उससे आप चेक कर सकते हैं कि क्या चीजें मैग्नेट को अट्रैक्ट करती हैं और आपके घर में किन किन चीजों में मैग्नेट लगा हुआ है। तो आयरन निकल कोबाल्ट जो है वो क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। दूसरी चीजें, अभी हमने एक एग्जांपल देखा वुड का, कि हमने जब वुड के अंदर मैग्नेट को घुमाया तो वुड की जो जो वेस्ट है वो मैग्नेट के नहीं चिपका। तो सब्सटेंसेस दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, कॉपर, ब्रास, वुड, ठीक है, जो कॉपर की वायर होती है, ब्रास है, वुड है, ये नॉन मैग्नेटिक चीजें हैं। इसीलिए जो नेल्स एंड स्क्रूज हैं वो क्या है, आर मैग्नेटिक मटेरियल, जो इन चीजों से बने होते हैं, जो मैग्नेटिक चीजों से बने हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, और जो लकड़ी की चीजें हैं उनको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एक एक्टिविटी हम देखते हैं, टेक अ मैग्नेट, एक मैग्नेट ले सकते हैं हम इजीली, आपके आपके पास पेंसिल बॉक्स होगा या आपके घर में जो भी चीजें हैं इनमें से, पेंसिल, इरेजर, पेपर क्लिप, बॉटल कैप, नेल्स, कॉइन्स, अ स्मॉल कॉपर वायर एंड एल्युमिनियम हैंगर, स्टेपलर पिन, ठीक है, इनको आप क्या कर सकते हो, आप इनको सेपरेट दो कैटेगरी बना सकते हैं मैग्नेट का यूज कर, जो मैग्नेट से लगेंगी चिपकेंगी वो क्या है, मैग्नेटिक चीजें, और जो नहीं चिपकेंगी वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अब हमारे पास दो टाइप का मैग्नेट है, अब हमने फिर से हमारे पास दो, अब ये वो थे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अब मैग्नेट के भी दो टाइप हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। देर आर टू टाइप ऑफ मैग्नेट्स, नेचुरल मैग्नेट्स एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स आर मोस्टली फाउंड इन रॉक्स, जो नेचुरली मतलब जो नेचर के अंदर अपने आप बनते हैं वो मैग्नेट्स कहाँ मिलते हैं, रॉक्स में, ठीक है। ऑब्जेक्ट दैट आर फाउंड इन नेचर एंड एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट लाइक अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर नोन एज
नेचुरल मैग्नेट्स, जो ऑब्जेक्ट नेचर के अंदर पाए जाते हैं और उनके पास क्या प्रॉपर्टी है, मैग्नेट की तरह किसी चीज को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। जिन रॉक्स के अंदर, जैसे क्या होता है, जिन रॉक्स के अंदर मैग्नेटाइट है, ठीक है, मतलब ये मैग्नेटाइट वाला भी हमने और पढ़ा था, तो वो जैसे कोई व्हीकल है जो आयरन के बने हुए हैं, तो वो चीजें अगर उन रोडों पे चलती हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो वहां फोर्स जो है, मतलब स्पीड हम बढ़ाएं ना बढ़ाएं, वो चीजें जो रॉक है उन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है धीरे धीरे, ठीक है। पीपल लर्न टू मेक मैग्नेट, धीरे धीरे इस मैग्नेटाइट से लोगों ने मैग्नेट बनाना सीखा, तो उसको जो हम मैग्नेट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड इन मेनी डिफरेंट शेप्स एंड साइज। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है बहुत अलग अलग शेप्स और साइज के होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कोई बार मैग्नेट होता है, मतलब बार छोटा सा पीस होता है, एक टुकड़ा। होल शू मैग्नेट, जैसे कि ये दिखा रखा है डायग्राम में। सिलेंड्रिकल मैग्नेट, रिंग शेप के मैग्नेट होते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यूजुअली मेड ऑफ, ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है ये आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील के बने होते हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी मैग्नेट के बारे में देखा कि दो टाइप के मैग्नेट होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। और हमने देखा कि दो टाइप की मैग्नेटिक चीजें होती हैं, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, इसकी व्हाट की, मैग्नेट की। थैंक यू।